गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस आफ्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। दिस इज़ चैप्टर 12, प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के चारों ओर का एरिया इन्वायरमेंट कहलाता है, जिसे हम हिंदी में वातावरण कहते हैं। इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सब आते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी आ जाते हैं। और जब इसको कोई हार्मफुल सब्सटेंस वातावरण को इफ़ेक्ट करता है या ख़राब करता है तो उसे पॉल्यूशन कहते हैं, और जिस हार्मफुल सब्सटेंस से इन्वायरमेंट ख़राब होता है उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब हम पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में तथा उसके कारण और बचाव के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉल्यूशन 4 टाइप्स के होते हैं। एयर पॉल्यूशन फर्स्ट है, सेकेंड वाटर पॉल्यूशन, थर्ड सॉयल एंड लैंड पॉल्यूशन, फोर्थ नॉइस पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, जब डस्ट, स्मोक, हार्मफुल गैसेस और दूसरे पार्टिकल हवा में मिक्स हो जाते हैं तो उसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन से बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे अस्थमा, कफ एंड स्किन एलर्जीज। और ये अनबैलेंस्ड हार्मफुल गैसेस का मिक्सचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। फैक्ट्रीज़, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी, पटाखों के जलने से भी ये एयर पोल्यूशन होता है। डिफॉरेस्टेशन भी इसका कारण है, क्योंकि पेड़ हवा को शुद्ध रखते हैं। पेड़ कम होने पर तो हवा में प्रदूषण या पोल्यूशन बढ़ जाता है। कुछ प्राकृतिक कारण, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली गैसेस, जंगलों में आग लग जाती है या उसका स्मोक, सैंड स्टॉर्म्स और फ्लावर के पॉलन्स से भी एयर पोल्यूटेड होती है। वाटर पोल्यूशन, जब हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में मिक्स होकर के रिवर्स, लेक्स और ओशंस को पॉल्यूट कर देते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाता है। पोल्यूटेड वाटर प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन सभी के लिए नुकसानदेह है। इससे क्या होता है, प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियाँ जैसे कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस हो जाती है। गार्बेज, घरेलू सीवेज या फेस्टिवल के जो वेस्ट निकलने वाले होते हैं वो पानी या नदियों में फेंक देते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट जो केमिकल होते हैं उनको नदियों में गिराना, नहाना, कपड़े धोना नदियों को, ये सब कारण जो है प्रदूषित कर देते हैं नदियों को। लैंड या सॉइल पोल्यूशन, जब लैंड या सॉइल सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मटेरियल से प्रभावित होता है तो उसे लैंड या सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। जो वेस्ट या गार्बेज लैंड एरिया पर खुले में डंप कर दिया जाता है, जिससे कई डिसीजेस फैलाने वाले, जैसे रैट्स एंड मॉस्किटो एंड बीज, मक्खियाँ, ये क्या होती है, उनको पनपने का मौका मिल जाता है। और ऐसा एरिया ज़मीन को भी इनफर्टाइल कर देता है, मतलब कि वहाँ पे खेती नहीं हो सकती, कोई भी पेड़ पौधे को उगाया नहीं जा सकता। फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जैसे दवाओं का छिड़काव, यह भी जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रीज से निकलने वाले हानिकारक सब्सटेंसेस व वेस्ट भी तथा जो खाद होते हैं भी, वो सॉइल पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। नॉइस पोल्यूशन, ऐसी कोई भी आवाज़ जो हमारे कानों को असहनीय हो, अनकंफर्टेबल हो, वो नॉइस पोल्यूशन कहलाता है। नॉइस पोल्यूशन से स्ट्रेस, इरिटेशन, टेम्परेरी या परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग का सामना करना पड़ता है। मशीनरी व्हीकल्स के से हॉर्न्स और लाउड स्पीकर के हाई वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर शोर, तेज़ आवाज़ और वाले जो पटाखे हैं, ये सब नॉइस पोल्यूशन के ही कारण हैं। प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, हमें फार्मिंग में फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स के बजाय ऑर्गेनिक तरीके अपनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक बैग की जगह पेपर या क्लॉथ बैग का यूज़ करना चाहिए, गार्बेज या वेस्ट रिवर या ओशन में डंप नहीं करने चाहिए, हाई वॉल्यूम के लाउड स्पीकर व्हीकल को हॉर्न का अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए। वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ें या वस्तुएं जिनका आगे कोई यूज़ या उपयोग ना हो उन्हें वेस्ट कहते हैं। वेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसी वस्तुएं जो कई सालों में रॉट हो जाती हैं, मतलब सड़ जाती हैं या सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे लिखते हैं, लीव्स, पेपर, वेजिटेबल पील्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। ऐसी वस्तुएं जो कई सालों तक भी इन्वायरमेंट में बनी रहती हैं, एज इट इज़, जैसे पहले थी वैसे ही कई साल बाद भी उसी तरह से रहती हैं, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इन वेस्ट को कलेक्ट करके उन्हें अच्छी तरह से डिस्पोज करना अर्थात
वेस्ट करने की प्रक्रिया को वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आते हैं, ये जैसे कि मेटल्स आ गए, ये जितने भी है प्लास्टिक हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। वेस्ट मैनेजमेंट या कुछ मेथड होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोज करने की, ये डंपिंग मतलब वेस्ट को सिटी या गांव से दूर वेस्ट करने को डंप करना, या लैंडफिल में क्या करते हैं वेस्ट को ग्राउंड में डिपीट में सॉइल से कवर कर देना, ये लैंडफिल्स है। और बर्निंग में क्या होता है, वेस्ट को कलेक्ट करके उसे जला दिया जाता है। कंपोस्टिंग में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितने भी होते हैं उनको गड्ढे बना करके ग्राउंड में एक बड़ा सा गड्ढा उसको डिग कर दिया जाता है, और उसमें जितने भी वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उनको कलेक्ट करके सॉइल से कवर कर देते हैं। मैन्योर के रूप में यूज़ किया जाता है, कन्वर्ट करके मैन्योर के रूप में यूज़ किया जाता है, जो बाद में पेड़ पौधों के खाद में काम आते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनका भी मैनेजमेंट ज़रूरी है, इसलिए 3 R's द्वारा वेस्ट को मैनेज किया जाता है। 3 R's मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस क्या है, इसमें हमें ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत हो, जिनका हम पूरी तरह से यूज़ कर सकें। रीयूज, इसमें कोई भी वस्तु वेस्ट की तरह फेंकने से पहले उनका दोबारा यूज़ कर सकें, यह श्योर हो लेना चाहिए। जैसे क्लॉथ, बुक्स, खिलौने दूसरे को दे दें, वो दूसरे लोग जो हैं उनको दोबारा यूज़ कर सकें या इस्तेमाल कर सकें, जिससे उनका रीयूज़ हो सके। या पुराने कपड़े को डस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या पुराने पेपर को रैपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका इस्तेमाल हो सकता है। रिसाइकिल, यह प्रोसेस वेस्ट मटेरियल को नए प्रोडक्ट के रूप में बदल देते हैं, जैसे पेपर मेटेलिक कैंस हैं, ग्लासेस बॉटल हैं, ग्लास बॉटल्स हैं, इनको दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है। इनको अलग अलग कलेक्ट करके इन्हें रिसाइकिल सेंटर में दे करके प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर दिया जाता है। इसलिए हमें ऐसी वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए जिससे इनको रिसाइकिल या वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ चैप्टर 12, प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। थैंक यू।